जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पटनी टॉप में मंगलवार को सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें पायलट और को पायलट दोनों की मौत हो गई। इस हादसे में पंचकुला ने एक महान सपूत खो दिया है, क्योंकि सेना के हेलीकॉप्टर में तैनात मेजर अनुज राजपूत पंचकुला सेक्टर 20 में रहते थे। जैसे ही उनकी शहादत की खबर परिवार को मिली तो उनके माता पिता दोनों जम्मू कश्मीर रवाना हो गए। मेजर अनुज राजपूत अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। मेजर अनुज राजपूत की शहादत की खबर मिलते ही उनकी सोसाइटी में रहने वाले लोग भी शोक में पड़ गए। लोग उनके फ्लैट में शोक व्यक्त करने भी गए, लेकिन कोई घर पर नहीं मिला। मंगलवार रात मिलिट्री से भी सेना पुलिस सेक्टर 20 GH नंबर 104 पहुंची। इस दौरान मिलिट्री के अधिकारी उनके फ्लैट पर भी गए, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। शहीद मेजर अनुज राजपूत का पार्थिव शरीर आज पंचकुला के सेक्टर 20 लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पटनी टॉप में मंगलवार को सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें पायलट और को पायलट दोनों की मौत हो गई। इस हादसे में पंचकुला ने एक महान सपूत खो दिया है, क्योंकि सेना के हेलीकॉप्टर में तैनात मेजर अनुज राजपूत पंचकुला सेक्टर 20 में रहते थे। जैसे ही उनकी शहादत की खबर परिवार को मिली तो उनके माता पिता दोनों जम्मू कश्मीर रवाना हो गए। मेजर अनुज राजपूत अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। मेजर अनुज राजपूत की शहादत की खबर मिलते ही उनकी सोसाइटी में रहने वाले लोग भी शोक में पड़ गए। लोग उनके फ्लैट में शोक व्यक्त करने भी गए, लेकिन कोई घर पर नहीं मिला। मंगलवार रात मिलिट्री से भी सेना पुलिस सेक्टर 20 GH नंबर 104 पहुंची। इस दौरान मिलिट्री के अधिकारी उनके फ्लैट पर भी गए, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। शहीद मेजर अनुज राजपूत का पार्थिव शरीर आज पंचकुला के सेक्टर 20 लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पटनी टॉप में मंगलवार को सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें पायलट और को पायलट दोनों की मौत हो गई। इस हादसे में पंचकुला ने एक महान सपूत खो दिया है, क्योंकि सेना के हेलीकॉप्टर में तैनात मेजर अनुज राजपूत पंचकुला सेक्टर 20 में रहते थे। जैसे ही उनकी शहादत की खबर परिवार को मिली तो उनके माता पिता दोनों जम्मू कश्मीर रवाना हो गए। मेजर अनुज राजपूत अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। मेजर अनुज राजपूत की शहादत की खबर मिलते ही उनकी सोसाइटी में रहने वाले लोग भी शोक में पड़ गए। लोग उनके फ्लैट में शोक व्यक्त करने भी गए, लेकिन कोई घर पर नहीं मिला। मंगलवार रात मिलिट्री से भी सेना पुलिस सेक्टर 20 GH नंबर 104 पहुंची। इस दौरान मिलिट्री के अधिकारी उनके फ्लैट पर भी गए, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। शहीद मेजर अनुज राजपूत का पार्थिव शरीर आज पंचकुला के सेक्टर 20 लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है।